ये क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बोलता है कि 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 were taken in the test tubes as A, B, C. तो बहुत लंबा सेंटेंस है, अब बच्चों को कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है। देखिए मैं बहुत इजीली आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ml each of, मतलब 2 ml लिया गया हर एक का, each of का मतलब हर एक का 2 ml लिया गया, 2 ml हर एक का, किसका किसका, of concentrated HCl, concentrated HCl लिया गया, 2 ml concentrated HCl लिया गया, किसमें, test tube A में। तो आइए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये test tube A है, ठीक है, इस test tube का नाम है A, और इस test tube A में ये जो भरा हुआ है अंदर, ये क्या है आपका, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कितना है, 2 ml, उसके बाद HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये किसमें है, टेस्ट ट्यूब बी में, तो ये बी टेस्ट ट्यूब है, और इसमें क्या है, इसमें है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एंड अ मिक्सचर ऑफ, ध्यान दे रहा, एंड अ मिक्सचर ऑफ, एंड मतलब ऐसा भी होता है, क्या होता है, एंड अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1 वर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए बी सी, सी पे फोकस करिए, मतलब जो तीसरी सी टेस्ट ट्यूब है, सी नाम की जो टेस्ट ट्यूब है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो सी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब सी है, और इस सी टेस्ट ट्यूब में क्या है, 2 ml, सुनिए 2 ml मिक्सचर, 2 ml मिक्सचर है, मतलब इस पूरे मिक्सचर को अगर आप मेजर करोगे इसका वॉल्यूम, तो 2 ml निकलेगा, ठीक है, 2 ml मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, ध्यान से चेक करिए, ये मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसका रेशियो क्या है, 3:1, कल मैंने आपको याद कराया था एक क्वेश्चन में कि जब आपके पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हो, देखिए 2 ml सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 3:1 में, इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि HCl में H पहला लेटर है, C दूसरा और L तीसरा, इसमें तीन लेटर आते हैं, इसलिए HCl के साथ हमेशा 3 लगा रहेगा, ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3:1 के रेशियो में लिया जाता है, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया, कोई डाउट है बताइए, तो ये स्टूडेंट्स 2 ml एक्वारिजिया रखा हुआ है एक तरीके से, 2 ml एक्वारिजिया रखा हुआ है किसमें, टेस्ट ट्यूब सी में, कोई डाउट है, आप क्वेश्चन समझ में आ गया, टेस्ट ट्यूब ए में 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, टेस्ट ट्यूब बी में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कितना, 2 ml ही है, और थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 2 ml एक्वारिजिया रखा हुआ है, एक्वारिजिया मींस व्हाट, Aquaresia means the freshly prepared solution of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1. ठीक है? अब जरा आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि a small piece of metal, ध्यान दें students, a small piece of metal, क्या ये metal तुमको पता है? तो जवाब है नहीं। अभी ये metal तुमको नहीं पता है। कोई small piece of metal लिया हमने, तो ध्यान से चेक करिए, ये metal का piece लिया। अब क्या करते हैं? Was put in each test tube. ठीक है, बारी बारी करके इस मेटल के पीस को हर एक टेस्ट ट्यूब में डाला गया। चलिए देखते हैं, पहले ए में डाला जाएगा, फिर इसी मेटल के पीस को बी में डाला जाएगा, फिर इसी मेटल के पीस को सी में डाला जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, पढ़िए जरा, पढ़िए पढ़िए, रिजल्ट क्या आता है, इसकी ऑब्जर्वेशन जो होती है, जो इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए हमने क्या होता है, नो चेंज अकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक, टेस्ट ट्यूब ए में डालने पर कोई चेंज नहीं होता, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती है ये मेटल सॉल्यूशन में, मतलब जो भी एसिड हमको दिया उसमें डिसॉल्व नहीं होता, तो ए में भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, बी में भी कोई रिएक्शन ना होने होता, कोई चेंज देखने को हमको नहीं मिलता है। तो इस मेटल को जब हमने ए टेस्ट ट्यूब में डाला कुछ नहीं होता है, बी टेस्ट ट्यूब में डाला कुछ नहीं होता है, लेकिन पढ़िए जरा आगे, कहता है द मेटल गॉट डिसॉल्वड इन द टेस्ट ट्यूब सी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली इसलिए बोला है उन्होंने, पहले ए के लिए बात कर रहे हैं, ए में कुछ नहीं होता है, बी में कुछ नहीं होता, लेकिन सी में ये मेटल क्या हो जाता है, ये मेटल बच्चों डिसॉल्व हो जाता है। अब सुनिए, ये मेटल क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है द मेटल कुड बी, ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्वारिजिया में कौन सा मेटल डिसॉल्व हो जाता है, याद करिए, एक्वारिजिया में हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, एक्वा
रिजिया में जो आपके नोबल मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, ये डिसॉल्व हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? ठीक, अब ध्यान से समझिए जरा, ध्यान से, यहाँ पर देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको पता है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ कहीं गोल्ड आता है, गोल्ड के नीचे आता है प्लेटिनम। अब हमको पता है कि एक्वा रिजिया में गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है और प्लेटिनम भी, लेकिन सुनिए फटाफट डिसॉल्व कौन होगा, फटाफट डिसॉल्व कौन होगा? गोल्ड, जो ऊपर आता है वो मोर रिएक्टिव है रादर देन व्हाट, प्लेटिनम। तो ये हमको ऑप्शन में गोल्ड भी देंगे और प्लेटिनम भी देंगे बच्चों, समझिए जरा। बट हमको टिक किस पे लगाना है? हमको गोल्ड पे टिक लगाना है इस टाइम, बिकॉज क्या प्लेटिनम डिसॉल्व नहीं होगा? होगा, हम मना नहीं कर रहे, प्लेटिनम भी होगा, लेकिन जब इन्होंने चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से मुझे बेस्ट चूज करना है बच्चों, ठीक है? बेस्ट चूज करने का मतलब ये है कि जो फटाफट डिसॉल्व हो जा रहा हो, क्या फटाफट डिसॉल्व हो जाएगा? प्लेटिनम, सॉरी प्लेटिनम कह रहा हूं, सॉरी गोल्ड। तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। अब देखिए, देखिए आपने इस पे टिक लगा दिया, आपको मार्क्स भी मिल गए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दे जरा। यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, आपको इन्होंने यहां पर चार ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि देखिए मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। देखिए पहला ऑप्शन में दे देंगे एल्युमिनियम, और सेकंड ऑप्शन में दे देंगे आपको गोल्ड, और थर्ड ऑप्शन में दे देंगे आपको एग्जाम में क्या, कॉपर, और फोर्थ ऑप्शन में दे देंगे आपको प्लेटिनम, ठीक। अब आपको ए बी सी डी ऐसे करके देगा, देखिए ए बी सी डी, और ए में बोलेगा आपको क्या कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, फिर बी में आपको बोलेगा क्या कि सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सी में आपको बोलेगा थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, और फिर बोलेगा आपको फर्स्ट एंड फोर्थ, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स आपको दे देगा। तो इस टाइम आप किस पे टिक लगाएंगे बताइए? आपको पता है क्या कि गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है और प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाता है, तो हम सेकंड और फोर्थ वाले को सर्च करेंगे, तो ध्यान से चेक करिए सेकंड और फोर्थ, तो हम ऑप्शन बी पे उस टाइम टिक लगाएंगे। बताइए कोई डाउट है कि नहीं? तो ऐसे भी आ सकता है, आप सावधान रहिएगा एग्जाम में। यहां पर तो इन्होंने चार ऑप्शन दे दिए और चारों में से मुझे बेस्ट चूज करना है ना, तो मैंने अपना नॉलेज लगाया, भाई मैं तो पढ़ के आया हूं कि एक्वारिजिया में गोल्ड और प्लेटिनम नोबल मेटल्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि प्लेटिनम थोड़ा सा देर में डिसॉल्व होगा, तो फटाफट कौन सा डिसॉल्व होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा इसमें, वही मेरा बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो मैंने गोल्ड पे टिक लगा दिया, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? तो वो जो मेटल है, जो मेटल का पीस आप टेस्ट ट्यूब ए में डाल रहे थे, टेस्ट ट्यूब बी में डाल रहे थे और टेस्ट ट्यूब सी में डाल रहे थे, वो मेटल कौन है? गोल्ड है, करेक्ट। सुनिए, आपने पढ़ा हुआ है कि गोल्ड नोबल मेटल होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है गोल्ड और प्लेटिनम, तो ये एसिड्स में, इवन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में भी रिएक्ट नहीं करते, तो अकेला ये HCl में नहीं रिएक्ट करेगा, अकेला HNO3 में नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन एक्वा रिजिया व्हिच इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:1, ओके, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, बस वन नहीं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए।